रोजीक के हाथों लगे हैं ये बड़े पावर्स। अब्दुल रोजीक अब संभालेंगे कमान। आखिरकार अब्दुल रोजीक के हाथों कौन से बड़े पावर्स लगे हैं? अब्दुल रोजीक को लेकर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आई है गाइज, आप सभी हो जाएंगे काफी ज्यादा खुशी से सुनकर। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। तो बिग बॉस के घर में चल रही थी कैप्टेंसी टास्क और कैप्टेंसी के दावेदार थे वो कॉन्टेस्टेंट्स जो कि थे नॉमिनेशन से सेफ। ऐसे में एमसी स्टैन, प्रियंका चय चौधरी, निमृत, शिव, अब्दू, ये सारे कॉन्टेस्टेंट सेफ थे नॉमिनेशन से। इन्हीं के बीच से अब एक कोई कैप्टन चुना जाना था। इसी के साथ प्रियंका में काफी ज्यादा टक्कर हो रही थी। प्रियंका इस कैप्टेंसी की दावेदारी के लिए खड़ी थी और अपनी जी जान लगा रही थी कैप्टन बनने के लिए। हालांकि इस गेम को यानी कि इस कैप्टेंसी टास्क का संचालन कर रहे थे साजिद खान। तो साजिद खान बने थे संचालक और अब देखी जाए और खबरों के हिसाब से अब फाइनली प्रियंका चहर चौधरी नहीं बल्कि अब्दुल रोजीक बन चुके हैं बिग बॉस के घर के नए कैप्टन। हालांकि ये दूसरी बार है जब अब्दुल रोजीक को ये कैप्टेंसी मिली है और अब अब्दुल रोजीक को स्पेशल पावर्स मिल गए हैं। अब्दुल रोजीक अब संभालेंगे पूरे घर का कमान और देखना होगा दिलचस्प अब अब्दुल रोजीक की कैप्टेंसी में बिग बॉस के घर में क्या कुछ नया होता है। तो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा क्योंकि अब अब्दुल रोजीक बाहर से आए हैं अपनी नई स्ट्रेटेजी प्लानिंग प्लॉटिंग लेकर। अब अब्दुल रोजीक का गेम देखने में बहुत मजा आएगा। आप सभी कितने सुपर एक्साइटेड हैं इस गुड न्यूज को सुनकर हमें बताएं कमेंट करके। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।